मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था कि ये एक नई साउंड लेके आया था पंचम, कुछ अजीब अजीब तजुर्बे किए थे. मैं तो इतना नहीं बता सकता हूँ, ये लोग जो बैठे हैं जो म्यूज़िक के ज्ञानी लोग हैं ये आपको उससे ज़्यादा बता सकेंगे. कि आपको ध्यान होगा कि कई ऐसे गाने हैं जहाँ पर नोट्स उसने बोंगो पे दिए हैं और जहाँ ताल है वहाँ गिटार है. तो ये जो आम म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ पर गिटार रखता वहाँ पर ड्रम रखता, उसने उल्टा कर दिया. ये ध्यान होगा आपको, ऐसे ऐसे काम किए जहाँ पर वायलिन होने चाहिए वह ह्यूमन वॉइस डाल दी. एक पीछे अलाप चल रहे जहाँ वायलिन बजते हैं आमतौर से. अब ये गाना जो है ये आप देखिए, ट्यून तो उसकी बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें जो करतब है, कहाँ सेकंड्स आ रहे हैं, कहाँ ऊपर जा रही है आवाज़, कहाँ नोट चेंज हो रहा है, कहाँ स्केल चेंज हो रहा है, ये जाने जाऊँ क्या गाना है. ये अगर ये धुन भी आप किसी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर को दे देते एज इट इज़ द वर्ल्ड भी दे देते, तब भी वो इस गाने को इतना जादू नहीं भर सकता था जो उसने किस तरह से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है और किस तरह से इसकी रेंडरिंग कराई है. आप ये देखिए, उसमें कमाल है सिंगर्स का भी कि उन्होंने जो म्यूज़िक डायरेक्टर चाहता था वो दिया है. उसे आसान बात नहीं थी, ख़ासतौर से आशा जी के बहुत लोअर नोट्स भी हैं ऊपर भी हैं, मगर कमाल है. और किस तरह से सेकंड्स हैं इसमें, आप देखिएगा आप.